नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एटम क्लासेज कुचामन सिटी में। मैं भरत वर्मा। जैसा कि हमने पादप श्वसन का जो पार्ट सेकंड पढ़ा था प्रीवियस, उसके अंदर जो हमने आप जो है आपको संपूर्ण ग्लाइकोलाइसिस की जो चरण थे, जो 10 चरण थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको जो है पार्ट फर्स्ट में एक चीज बताई थी, वायवीय श्वसन के पद, जिसमें सबसे पहले जो है ईएमपी पद हमने पढ़ा था, जो है ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, और सेकंड मैंने आपको बताया था क्या एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण या लिंक जो है रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन। तो आज इस पार्ट के अंदर जो है थर्ड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे, वो बात करेंगे एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण, और इसे दूसरे नाम से जो जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है लिंक या गेटवे रिएक्शन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेटवे रिएक्शन या लिंक रिएक्शन के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये चीज आपको जो ध्यान देना है यहाँ पे, कि जो एसिटाइल कोएंजाइम का जो निर्माण होता है उसी को लिंक या गेटवे रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देनी है, वो ये ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो एसिटाइल को एंजाइम का जो निर्माण होता है उसके अंदर एक रिएक्शन काम में आती है, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो ये एक दो कार्बनिक कंपाउंड होता है। अभी जो है आपको थोड़ी देर बाद में इसको प्रूव किया जाएगा कि किस प्रकार से दो कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो वो है क्या कि यह अभिक्रिया ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र को जोड़ती है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र जो दोनों अलग अलग जो है जो फेज है, जो अवस्था है, उनको आपस में इंटरलिंक करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। जोड़ती है माय डियर, क्या करती है, अटैच करती है। इसीलिए इसका नाम क्या है, लिंक रिएक्शन। क्या नाम है, जोड़ने का मतलब क्या होता है, दो के बीच में इंटरलिंक होना, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन सी जो है फेज या अवस्थाओं को जोड़ती है, तो एक जोड़ती है ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्कर को। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है साफ साफ क्या, इसीलिए इसे लिंक या गेटवे रिएक्शन कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो यहाँ पे यह अभिक्रिया डीकार्बोक्सिलेशन व डिहाइड्रोजिनेशन। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, CO2 अणु का बाहर निकलना। और कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, एडिंग होना। तो यहाँ पे जो है डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ CO2, CO2 का बाहर निकलना। दूसरा जो है डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, H2O का, मतलब रिमूवल ऑफ H2O H2O का बाहर निकलना क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, वो कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यह अभिक्रिया डिकार्बोक्सिलेशन व डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन को प्रदर्शित करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसमें पहली बार CO2 निकलती है। सबसे पहले ध्यान देना कि यहाँ पे जो है ये जो है इसमें सबसे पहले क्या निकलती है, CO2 निकलती है। अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि ये डिकार्बोक्सिलेशन को प्रदर्शित करती है, मतलब रिमूवल ऑफ CO2। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि पहली बार क्या निकलती है, CO2 निकलती है तथा O2 की उपस्थिति में संपन्न होती है, इसलिए से क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव। O2 की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव। तो यहां से देखेंगे हम कि पहली बार CO2 निकलती है तथा O2 की उपस्थिति में संपन्न होती है। एसिटाइल को एंजाइम का निर्माण वायवीय स्थिति में होता है, मतलब O2 की उपस्थिति में, O2 का उपस्थित होना क्या होता है, O2 की उपस्थिति का मतलब होता है वायवीय स्थिति। क्या होती है, वायवीय स्थिति। दूसरी बात करते हैं तो यह माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में संपन्न होती है, यह इंपॉर्टेंट है यहां पर। क्या, माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स, जो अधात्री होती है, जो अधात्री होती है उसमें क्या होता है, यह संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में संपादित होती है। इसी के साथ में जो अगली जो इसकी बात है लिंक गेटवे रिएक्शन की, वो देखते हैं वो क्या है। तो इस क्रिया में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और जटिल एंजाइम तंत्र काम आता है, मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, इंपोर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो सिस्टम है, जटिल एंजाइम तंत्र है, वो काम में आता है। उसका नाम जो है पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, कौन सा है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कार्य करता है, जिसमें मुख्यतः 5 घटक कार्य करते हैं। कितने घटक कार्य करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, 5 मुख्य जो कंपोनेंट होते हैं वो कार्य करते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट है उनके अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है क्या, NAD। कौन सा है, NAD। दूसरा है यहाँ पे कौन सा, TPP। TPP का फुल फॉर्म क्या होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। क्या होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। ये भी इंपोर्टेंट है, कई बार इसका जो फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है।
उसके बाद में जो आता है वो आता है एक एलिमेंट Mg++, उसके बाद में Na, जो एक प्रकार की एसिड एक अम्ल है जिसका पूरा नाम होता है लिपोइक अम्ल। क्या होता है डियर स्टूडेंट? लिपोइक अम्ल। और साथ में जो काम में आता है वो आता है कोएंजाइम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो COA, कोएंजाइम। अब जो लिंक रिएक्शन जो बढ़ रही है, गेटवे रिएक्शन बढ़ रही है, उसकी रिएक्शन देखते हैं कि दरअसल इसकी रिएक्शन क्या है। तो यहां पे देखो, जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब जब ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस करता है तो क्या बनाता है, दो अणु क्या बनाता है, दो अणु बनाता है किसके, पाइरुविक, पाइरुविक अम्ल के। कितने कार्बनिक, तीन कार्बनिक, या कितना, एक अणु कितने कार्बनिक, छह कार्बनिक युक्त। तो ये था हमारा ग्लाइकोलाइसिस। यहाँ पे दो अणु बन गए पाइरुविक एसिड के, कितने कार्बन युक्त, तीन कार्बन युक्त। अब यहाँ पे यही पाइरुविक अम्ल क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, दो पाइरुविक अम्ल के अणु जब दो कोएंजाइम के साथ में जुड़ते हैं, और यहाँ पे ध्यान देना सबसे इंपोर्टेंट चीज, जो पांच घटक लिए थे हमने उनकी सारों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एंजाइम काम में आएगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साथ में Mg++, TPP, थायमिन पाइरोफॉस्फेट और लिपोइक अम्ल Na। यहाँ पे क्या होगा, इसी दौरान जो है 2NAD जो है वो बदल जाएंगे किसके अंदर, 2NADH2 के अंदर बदले जाएंगे, 2NADH2 के अंदर। तो ये संपूर्ण मतलब पाइरुविक अम्ल दो कोएंजाइम की उपस्थिति में जो है इससे जुड़ के पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ जुड़ के क्या करेगा, यहाँ पे 2NAD को 2NADH2 बदलते हुए उत्पाद स्वरूप क्या बनाएगा, उत्पाद स्वरूप बनाएगा 2-acetyl कोएंजाइम। यही चाहिए था हमें, क्या बनाएगा, 2-acetyl कोएंजाइम। कितने कार्बन युक्त है, दो कार्बन युक्त है, क्योंकि यहाँ पे एक CO2 क्या हो गया बाहर निकल गया। तो यहाँ पे रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो दो पाइरुविक अम्ल, कितने कार्बन हो गए टोटल, 2×3 कार्बन, कितने हो गए, 6 कार्बन, कितने, 6 कार्बन। और यहाँ पे देखो 2 और 2 4 और 2 क्या हो गए, 6। तो यहाँ पे CO2 बाहर निकल रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है, तो इस रिएक्शन में यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको डिकार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिहाइड्रोजिनेशन और डिकार्बोक्सिलेशन दोनों इसमें होता है। तो मेरे हिसाब से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण जो है लिंक गेट रिएक्शन आपको समझ में आ गई। अब यहां से ये क्या चलाएगा आगे, ये चलाएगा आगे क्या, क्रेब्स चक्र। देखो एक तो किससे जुड़ गया, ये एक तो जुड़ गया पाइरुविक एसिड से, यहां पे पाइरुविक एसिड से, और एक जुड़ गया किससे, क्रेब्स चक्र। दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब लिंक या गेट रिएक्शन इसीलिए इसको बोला जाता है। आशा करता हूं कि आपको जो है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण जो संपूर्ण समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।